अस्सलाम वालेकुम हजरत, आज बीसीएम सलाम के जरिए जियारत करवाने जा रहे हैं गोदवर उजनी इलाके के बादशाह हजरत ख्वाजा नामतुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैहि इनका। आखिरकार हम लोग भुसावल शहर से यहाँ पर बोरदल गांव में पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बाबा की दरगाह पे जाने के लिए कई साधन हैं, जिसमें से एक पुराना साधन है तांगा। इस समय हम लोग तांगे के सफर के साथ जा रहे हैं बाबा की दरगाह पर माथा टेकने, उनसे आशीर्वाद लेने। और इस तांगे का लुप्त जो कि अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आज भी लोग इस तांगे के सहारे पहुँचते हैं, स्टेशन हो या बस स्टेशन, यहाँ से बाबा की दरगाह पर। ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, या गरीब नवाज, या बीसीएन सलाम का यह सफर जो भुसावल से शुरू हुआ और इस रास्तों को तय करता हुआ अब पहुंचा है हजरत ख्वाजा नियामतुल्ला बाबा की दरगाह पर। तो चलिए इस सफर को आगे ले जाते हैं और बाबा के दरबार में चलते हैं। हाथ मोहम्मद का रहे हाथ में अल्लाह, हाथ मोहम्मद का रहे हाथ में, हाथ मोहम्मद का रहे हाथ में, जिक्र नबी हो। हजरत ख्वाजा नामतुल्ला शाह वली रहमतुल्ला अलैह, ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्ला अलैह इनके साथ 1400 तारीख में आए थे। आपका सिलसिला हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदलवली अताए रसूल सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इनसे मिलता है। यहाँ पर आकर हमने देखा कि लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में आते हैं, अपना माथा टेकते हैं और मनचाही मुरादे यहाँ से पाके जाते हैं। इस वक्त हम लोग बाबा की दरगाह के दरवाजे पर आए हैं अर्जी लगाने कि बीसीएन सलाम टीवी, जो हम लोग भुसावल शहर में भुसावल के शहरवासियों के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उन्हें मालूम हो बाबा की रहमत और बाबा के आशीर्वाद के बारे में। आज मेरे का दिन है नूरानी, आज मेरे का दिन है नूरानी है रात, प्यारे नबी की झोली में है ख्वाजा जी का हाथ, ख्वाजा बांट रहे है, ख्वाजा बांट रहे है दोनों हाथों से खैरात, ख्वाजा बांट रहे है दोनों हाथों से खैरात, दोनों हाथों से खैरात, दोनों हाथों से खैरात, ख्वाजा बांट रहे है दोनों हाथों से खैरात। नूरानी है रात, प्यारे नबी की झोली
रहे हैं, दोनों हाथों से खैरात ख्वाजा बांट रहे हैं, दोनों हाथों से खैरात ख्वाजा बांट रहे हैं, दोनों हाथों से खैरात। बाबा की दरगाह पर यूं तो अनेकों चमत्कार हैं, उनमें से सबसे बड़ा चमत्कार है यहाँ पर बहता हुआ झरना। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर पहले दूध बहता था जो अब पानी में तब्दील हो गया है। क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद बाबा रशीद बाबा, रशीद बाबा जी से। देखिए जनाब, ये सरकार का जो झरना है ये कायम थ्रू जारी और सारी है। यहाँ से 3 किलोमीटर तक की दूरी तक पानी नहीं है, यहाँ दूर दूर तक के पानी नहीं है, केवल बाबा के सिवा। यहाँ रहमत है, कहीं दुनिया चली आती है बाबा के मठ में, वो एक इंच बाबा के झरने को उतार नहीं सकती। ये बाबा का करिश्मा है। और एक नहीं, दूसरी बात यह है कि बाबा के झरने से एक ज़माने में दूध हुआ करता था, और जो जूने लोग आते थे उनके लिए बर्तन भी निकला करते थे, पर वो क्या हो गया, कोई माँ बहन का कदम गिरने से वो करिश्मा पानी की शिद्दत में बदल गया। और जो है ये लोग श्रद्धा से अपनी बाटली भर भर के दूर दूर तक के पानी ले जाते हैं बाबा का, और अपना आराम पाते हैं, बीमारी से निजात पाते हैं, और कर्म होता है उन पर जो आपको पानी को इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये कर्म है ख्वाजा का, ये सरकार का, जो लगातार पीड़ित को खुशियाँ दे रहे हैं, रोते को हंसी दे रहे हैं, और प्यासे को पानी। चलिए ले लेंगे खैरात, चलिए ले लेंगे खैरात, ख्वाजा बांट रहे हैं दोनों हाथों से खैरात, ख्वाजा बांट रहे हैं दोनों हाथों से खैरात, ख्वाजा बांट रहे हैं। इस समय एक पीढ़ी ऐसी है जो प्रति वर्ष दर 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 तरीके से सेवाएं बाबा के यहाँ पर कर रही हैं, और बाबा के सेवक में अपनी सेवाएं दे रहे इस पीढ़ी के हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? आसिफ शाह गुलाब शाह। आसिफ साहब, हमारे भुसावल शहर और BCN सलाम के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कितने सालों से यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, और अभी आपकी कौन सी पीढ़ी है, और बाबा की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। आठवीं पीढ़ी चल रही है हमारी सरकार की खिदमत में, हजरत ख्वाजा नियामतुल्ला सरकार 1400 पालकी के बुजुर्गान दीन, इनकी हम आठवीं पीढ़ी नस्ल हमारी बुजुर्गान से आप खिदमत कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से चमत्कार यहाँ पर होते हैं? चमत्कार झीरा वगैरह है अपर पानी का, इससे सब बीमारी शिफा होती है सरकार के पानी से। आपके पानी में वो तासीर है कि अच्छी, जो बीमार रहता है इसको पानी पिला दिया शिफा मिलती है जी। और आपके जो पूर्व में थे, जिन 7 पीढ़ियों ने यहाँ पे सेवाएं की हैं, उन्होंने आपको क्या बता के गया है यहाँ पर, किस प्रकार की चीज़ें विशेष होती हैं? ये बता के गया हमको कि यहाँ पर पहले एक शेर आता था, झाड़ू मारता था सरकार के बारगाह में, और चले जाता था झापड़ में जी है। और BCN सलाम के दर्शकों को कोई ऐसी बात, क्योंकि अभी उर्स हमारे सामने है, 227 क्या विशेष होगा इस उर्स में? उर्सों में होगा कव्वाली होंगी, और लंगर वगैरह रहता है सरकार का, हजरत ख्वाजा नियामतुल्लाह का लंगर चलते हैं चारों तरफ। 12 तारीख को गुसल है सरकार का,
और 13 को कव्वाली है, संदल है 13 को और 14 को कव्वाली है। ऐसा कोई चमत्कार आपके किसी व्यक्ति ने देखा हो जो आपको लगा कि ये नहीं हो सकता लेकिन हो गया, कुछ याद हो आपको ऐसा कुछ चमत्कार? तो बहुत बताया बाबा ने, बीमारों को शिफा दे दी है और बहुत दे दिए बाबा को। एक पोड़ा था सूरत का, बाबा के पास 7 साल हो गए थे, इसको 7 साल से पड़ा था, बोलती चलती नहीं आता, बाबा का झीले का पानी पिला इसको, अभी चलने फिरने लगा। पहले ये गांव उछली के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर 2 से 2.5 फीट की मिट्टी की चौड़ी दीवारों से घर बनवाए जाते थे। गांव में जब भी शादी ब्याह का मामला आता तो बाबा के इस बहते जीरे से बर्तन और दूध निकलता था, लेकिन गांव वालों की जाने अनजाने में हुई गलती की वजह से ये सिलसिला बंद हो गया। ये इलाका सूखा इलाका है, यहाँ पानी की क्षमता बहुत कम है, पानी का कोई ऐसा साधन भी यहाँ नहीं जिसके कारण ये इलाका हरा भरा रह सके। यहाँ के लोग चीन परिंद जानवर इन सब के लिए एक जिंदा करिश्मा है। यहाँ से बहता ये जीरा साल के 12 महीने बहता रहता है। हजारों जायरीन तथा आसपास के गांव वाले इस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। ये जीरे के पानी से नहाने से और पीने से कई रोग और बलाओं से पीड़ित रोगियों को शिफा मिलती है। इस इलाके में अंधेरा छाते ही आसपास के जंगलों से खूंखार जानवर पानी पीने के लिए आज भी इस झरने पर आते हैं। कुत्तों का जोरों से भौंकना ये इशारा है कि खूंखार जानवर शेर वगैरह इस जीरे की ओर आ रहा है। यहाँ के लोगों ने भी इस बात की दलील दी है कि कुत्तों के भौंकने की आवाज आने पर हम लोग बाजा बजाना, चिल्लाना, आग जलाना आदि उपाय करते हैं, जिससे ये खूंखार जानवर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन बाबा की ये भी एक जिंदा करामात है कि इस खूंखार जानवरों ने आज तक किसी को कोई चोट नहीं पहुँचाई। बाबा के दरबार में सिरहाने से एक पत्थर रखा गया है। इस पत्थर की ये खासियत है कि इस पत्थर पर हाथ रखकर जायरीन जो भी दिल में मुराद मानते हैं, अगर वो मुराद पूरी होने वाली हो तो ये पत्थर अपने आप घूमने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्थित इस पत्थर की। मान्यता है कि इस पत्थर के नीचे आप एक का सिक्का रखिए और आंखें बंद कर इस पत्थर पे अपना हाथ रखिए और आपकी जो भी मनोकामना है आप सवाल कीजिए, उस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के घूमने पर नजर आएगा। अगर आपने कहा कि मैं इस वर्ष पास होऊंगा या नहीं तो ये पत्थर सही दिशा में घूमेगा, अर्थात आप पास होंगे। अगर आप कोई सा व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये सफल होगा या नहीं, ऐसे ही कई सवाल आप यहाँ पर लेके आए और पत्थर उसका जवाब आज भी देता है और ये इतिहास लगभग 100 साल से भी अधिक पुराना है। जीता जागता चमत्कार यहाँ मौजूद है इस पत्थर के रूप में। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, दिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने, आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी, जब तक तू सोने का न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली। दरगाह के आसपास बड़े बड़े बड़ के पेड़ हैं और इस पेड़ पर बंदरों का बसेरा है। हर जुमेरात को यहाँ जायरीन बड़ी तादाद में जियारत के लिए आते हैं और जिन जायरीन की मुराद पूरी हो वो यहाँ पर बकरे की कुर्बानियाँ देते हैं। मानो एक छोटा मेला हर जुमेरात को यहाँ लगता है। लगभग 700 साल से अधिक का इतिहास यहाँ का बताया जाता है।
और बताया जाता है कि 1400 पालकी के बुजुर्ग हैं बाबा। 227वां, जी हाँ, 227वां उर्स इस वर्ष यहाँ मनाया जाएगा। बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर दर्शनार्थी आएंगे, बाबा का आशीष लेंगे, दुआएं करेंगे, अर्जी लगाएंगे और उस अर्जी को मानकर बाबा उनकी उस मर्जी को पूरा करेंगे जो उस अर्जी में शामिल होगी। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, हे नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है।